ओके सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपके ढेरों सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं और Thank इसके अलावा जितने भी हमने रिसेंटली में देखा है वो खजूर पे अटके की मैं अगर बात करूं लोगों को बहुत ही पसंद आया। एज एन आर्टिस्ट जब भी आपके गाने आपके जो भी आप करते हैं लोगों को पसंद आता है, क्या फील होता है एज एन आर्टिस्ट, क्या फील होता है आपका? हमारे लिए एक तो ये है कि आर्टिस्ट है ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस जब आर्टिस्ट का काम को पसंद करता है दैट इज़ अ वैलिडेशन ऑफ द वर्क, उसी के लिए हम काम करते हैं। फॉर मी इन पर्टिकुलर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ज़िंदगी में आए हैं। एज अ तबला प्लेयर आई स्टार्टेड आउट एज अ क्लासिकल तबला प्लेयर, फ्रॉम क्लासिकल तबला आई वॉज प्लेइंग विद द टॉप पर्सन इन द बिजनेस सो टू से, पंडित रविशंकर, विद हुम आई प्लेड फॉर 12 ईयर्स, ऑलमोस्ट 1000 कॉन्सर्ट्स उनके साथ। आई प्लेड ऑन 4 ग्रैमी नॉमिनेटेड एल्बम्स, वन ऑफ देम गॉट द ग्रैमी। Then I played with George Harrison, the famous Beatle, उनका साथ जो album वो भी Grammy nominated हुआ। फिर उसके बाद मेरा इच्छा हुआ कि मैं fusion music करूँ। This is around the year 2000. Then when fusion music happened and my album Rhythmscape became the chartbuster in the country, and then I did about 40 albums उसके बाद, तो वो सारे album hit हुए। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं film का music करूँ, फिर फिल्म का म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता आने लगा। देन आई एंडेड अप डूइंग 23 फिल्म्स इन बांग्ला एंड सेवन, दिस इज माय सेवेंथ फिल्म इन हिंदी। तो इसके पहले लिटिल जीजू है, जल जो कि सोनू निगम और मैं साथ में किया, जल के लिए हमें ऑस्कर कंटेंशन तक मिला, सो विच इज़ समथिंग विच इज़ अनहर्ड ऑफ रियली। तो ये मुझे लगता है कि कॉस्मोस का कुछ आशीर्वाद होता है, तभी होता है इंसान की ज़िंदगी में। आप जितना भी कोशिश करो, आशीर्वाद अगर नहीं होता तो देन इट डजंट वर्क। सो आई एम रियली हैप्पी। खजूर पे अटके का रिपोर्ट अच्छा है, पीपल आर लाइकिंग द फिल्म, जो भी देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है, मज़ा लग रहा है, म्यूजिक का भी प्रशंसा है। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम डूइंग अनदर वन नाउ। अभी गिरीश मलिक का बैंड ऑफ महाराजास कर रहा हूँ, जिसमें चित्रांगदा सिंह है, और आई एम ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दैट एज एन एक्टर। तो वो है। फिर गिरीश भाई का दूसरा और एक फिल्म है जिसका बैकग्राउंड में करूँगा, उसका नाम है तोरबाज, जो कि संजय दत्त का फिल्म है। इसके अलावा और एक फिल्म है फूल मनी, वो दैट इज़ अ आर्ट हाउस फिल्म जिसमें प्रियंका बोस है, तो दैट ऑल्सो इज़ देयर। बंगला में तो बहुत ढेर सारे हैं, सो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग पीरियड। और सोनू भाई के साथ अभी मैं काम कर आ रहा हूँ, जो एल्बम हम लोग कर रहे हैं वो बॉलीवुड के पुराने जो गाने हैं, मतलब अब फिलहाल हम लोग 1940s में हैं। 1940s में वी हैव जस्ट डन जवां है मोहब्बत नूर जहां के, और कल से काम शुरू हुआ है आवारा हूँ ये गाना। तो ये सोनू भाई गा रहे हैं लेकिन हम उसको पूरा रिक्रिएट कर रहे हैं वो साउंड को, और विदेश से बहुत सारे म्यूजिशियन बजा रहे हैं। जवां है मोहब्बत में जॉर्ज ब्रुक्स की, जो कि अमेरिका की सबसे बड़े सैक्सोफोन प्लेयर है अभी, वो है ग्रेग एलिस, जिन्होंने 100 से ज़्यादा हॉलीवुड फिल्म में काम किया, मैट्रिक्सेस, ऑल थ्री मैट्रिक्सेस, आयरन मैन सीरीज, 300, सब ग्रेग एलिस का ड्रमिंग है। और बैरी फिलिप्स जो कि चेलिस्ट हैं और ग्रैमी अवार्ड विनर है, तो वो भी है उस एल्बम में। तो बहुत सारे काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो सेटिस्फैक्शन है। तो ये सब सर करते करते सडनली ये आइडिया है कि अब हमें फीचर करना है या एक्टिंग भी करना है, या पहले से ऐसा कुछ प्लान था आपने, जैसा कि आपने बताया? असल में 14 साल पहले मैं एक फिल्म किया था, वो बंगला में किया था, जिस फिल्म के जरिए मुझे अपने बीवी के साथ मुलाकात हुआ। माय वाइफ इज़ अ वेल नोन एक्ट्रेस, वो कहानी घर घर की जो सीरियल थी उसमें शी वाज द मेन रोल फॉर 4 मंथ्स। फिर हमारे साथ जब शादी हुआ तो वो जो पिक्चर करने आई वो बंगाल में, हॉट आत नहीं रहा जोनो, आई वाज द हीरो ऑफ द फिल्म एंड शी वाज द हीरोइन। सो उस फिल्म के जरिए फिल्म करने में, कैमरा के सामने होने में क्या एक्सपीरियंस है वो वहाँ से मिला। एंड आई डिड अ फ्यू फिल्म्स उसके बाद एज माई सेल्फ एज गेस्ट अपीयरेंसेस, बट मुझे फिल्म करने का कोई इच्छा वैसे था नहीं, क्योंकि म्यूजिक इज़ माई मेन पैशन एंड आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सिनेमा। बट गिरीश भाई जो कि मेरे साथ 2 वीडियो किए थे, गिरीश मलिक जो जल के डायरेक्टर है, और ही डिड फर्स्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया था 2012 में, वंदे मातरम। वंदे मातरम में 22 बड़े बड़े सिंगर सभी थे, मतलब शंकर महादेवन, सोनू निगम, शान, सुनिधि, उधर क्लासिकल में राशिद खान, अजय चक्रवर्ती सब थे, इंस्ट्रूमेंटल में विश्व मोहन भट्ट साहब सब। तो ही शॉट मी देन एंड ही शॉट मी फॉर द वीडियो ऑफ सालिमा, जो कि सोनू निगम और मेरे ऊपर पिक्चराइज किया गया था। तब उनको लगा कि
इन फ्रंट ऑफ द कैमरा देर इज अ सर्टन पर्सनैलिटी जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो जो रोल मैं कर रहा हूँ बैंड ऑफ महाराजाज में, दैट रोल इज अ म्यूजिशियंस रोल. मैं परकशनिस्ट हूँ, अफगानिस्तान का परकशनिस्ट हूँ. तो दाढ़ी वाड़ी लगा के मुझे बनाया गया. तो एक शेड्यूल हो गया है, दो शेड्यूल अभी बाकी है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. लेकिन ये मेरा कोर एक्टिविटी नहीं है. कोर एक्टिविटी तो उसका जो गाना बन रहा है, उसका जो म्यूजिक बन रहा है, उसमें मजा है. बट कर रहा हूँ मैं बस. गिरीश भाई बोल रहे कि अच्छा हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ. तो कितने एक्साइटेड हैं आप चित्रांगदा और सिंह के साथ में शूट का, या एक शूटिंग कब से होने वाली, या एक शेड्यूल तो हो चुका है. चित्रांगदा के साथ कोई सीन अभी नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट शेड्यूल में है. एंड इट्स आई एम एक्साइटेड एज इन की शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस. और जो सेटअप भी है उसमें बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं. जिस तरह से शूटिंग हो रहा है वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में शूटिंग हो रहा है, अमृतसर में शूटिंग हो रहा है, तो तरह तरह की जगह में हो रहा है. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज वो म्यूजिकल फिल्म है. और बैंड ऑफ महाराजाज, ये महाराजाज क्या चीज़ है? महाराजाज हैं, म्यूजिक के महाराजे हैं. तो बैंड जो बनता है वो एक एक फील्ड का महाराजा आता है उसमें. तो मैं परकशन से हूँ, तो बिल्लो जो चित्रंगदा के कैरेक्टर है वो सिंगर है. सो लाइक दिस इट कम्स टुगेदर. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. तो एक्साइटेड तो हूँ. बॉडी ड्रमिंग जो है ये ओरिजिनली ये अफ्रीकन ट्रेडिशन है, अफ्रीका से होता है. तो बहुत साल पहले, 20 साल से ज्यादा अभी, यूरोप में मैं गया था और एक कॉन्सर्ट के बाद एक नाइट क्लब था. तो वहाँ पे मैं गया और कुछ परकशनिस्ट बजा रहे थे. तो वो ऐसे मुझे बोलने लगे कि आप आओ हमारे साथ बजाओ. तो मैं बजाने लगा तो अचानक उनमें से एक बॉडी ड्रमिंग करने चालू किया. तो मुझे अजीब सा लगा कि ये क्या फॉर्म है, कितना बढ़िया है. सो ही सेड टू मी कि आई सेड कैन यू टीच मी हाउ यू डू इट. सो ही सेड आई कैन बट यू हैव टू गिव मी समथिंग. आई सेड व्हाट सर? आई वांट योर शर्ट. तो मैं कुर्ता पहना हुआ था क्योंकि कॉन्सर्ट से आया हुआ था. तो कुर्ता हमने उसके साथ एक्सचेंज किया उसी वक्त, और उसने मुझे बेसिक टेक्निक सिखाया. एंड देन आई केम बैक टू इंडिया एंड आई इन्वेंटेड माय ओन टेक्निक्स आल्सो. जैसे कि एफ्रो टेक्निक जो है वो फुल हैंड स्लैप है, ऐसा है. बट इसके ऊपर मैंने क्या किया, मैं फिंगर टेक्निक यूज किया क्योंकि तबले में वो इम्पोर्टेंट है. सो तरह तरह की पॉसिबिलिटीज है. सो इसके साथ अभी मैं बॉडी ड्रमिंग करता हूँ, बॉडी फेस ऑल टुगेदर प्लस द तबला एंड पूरा किट, जो ये फ्यूजन रेल्म में रेलेवेंट है. और क्लासिकल में कुछ नहीं, क्लासिकल में सीधा तबला बजता है और कुर्ता पजामे में बजता है. देयर इज नो ये सब नहीं. मैं हर वक्त ये कहता हूँ कि चोट तो लगता है, तो प्रैक्टिस जो आप करेंगे, जो भी आप देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं बॉडी ड्रमिंग, प्रैक्टिस जरूर किसी और पे कीजिए, अपने आप पे मत कीजिए. सो दैट्स आप जब भी आप स्ट्राइक करते हो अपने आप को, देर इज अ पेन कोशेंट. वो टेक्निक के ऊपर है. आप हाथ को थोड़ा बेंड करके करो तो उतना चोट नहीं लगता, सीधा रखो तो ज़्यादा है. और यहाँ जो होल है उसमें मारना पड़ता है, नहीं तो आपको यू विल गेट इट ऑन द चीक एंड द बोन. यहाँ होल है तो वो पोजिशनिंग ठीक है तो उतना चोट नहीं लगता है. और गड़बड़ हो गया थप्पड़ हो जाता फिर. हाँ, सोनू भाई के साथ जो एल्बम चल रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्बम है. ये कुछ बहुत सारे पुराने गाने जो है वो उसको हम रिक्रिएट कर रहे हैं. जैसे कि मानो जवां है मोहब्बत गाना है, ये नूरजहान जी का गाया हुआ था. उस वक्त ढोलक बज रहा था, उसमें टिक टॉक ऐसे साउंड होता था उस ज़माने में. तो वहाँ से निकल के हम आ गए हैं सैक्सोफोन, ट्रम्पेट्स, ये जोन में जहाँ पे जैज काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स, बड़े बड़े जैज प्लेयर्स बजा रहे हैं, जॉर्ज ब्रुक्स, फॉरेनर्स बजा रहे हैं.
तो असम भाई गा रहे हैं, जो गाना जिस तरह से वो गा रहे हैं वो नूरजहान जी को ट्रिब्यूट जैसा है, वो स्टाइल है, लेकिन उसमें कुछ कुछ फ़र्क है जो कि मॉडर्नाइज्ड है। सेम थिंग विद आवारा हूँ और जितने हम गाने कर रहे हैं। इसके अलावा वी आर डूइंग और एक फिल्म का हमने काम किया, उसका टाइटल सॉन्ग बनाया, चौकी करके एक फिल्म है शिखर घोष का, तो अभी आया नहीं वो, तो उसका काम हमने किया है। देन वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू अ म्यूज़िक रूम पार्ट टू, जो कि म्यूज़िक रूम हमारा बहुत बड़ा एल्बम है, इसके लिए वी गॉट जीमा अवार्ड एंड एवरीथिंग, तो उसका पार्ट टू भी प्लानिंग चल रहा है। तो सोनू भाई के साथ एक ऑनगोइंग रिश्ता है, एक ही उसमें प्रॉब्लम है कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ, वो बॉम्बे में रहते हैं, बट ये प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम अभी रहा नहीं है, क्योंकि कभी कभार वो आ जाते हैं, कभी कभार मैं आ जाता हूँ, और जब आते हैं तो मिलना बहुत बहुत बेहतरीन मिलना होता है, और जैसे कि यू डोंट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड, अगर आप एक शहर में रहते हो, पास पास रहते हो, तो यू टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। इसमें क्या हो जाता है कि मैं आ रहा हूँ तो सोनू भाई दो दिन खाली करके रखते हैं कि यार विक्रम भाई आ रहे हैं तो साथ में काम करेंगे, तो काम का भी बहुत सेटिस्फैक्शन है, वो इतना टैलेंटेड इंसान है, वो गाना भी गाते हैं, ये हारमोनिका भी बजाते हैं, फिर प्रकाशन भी बजाते हैं, सभी सब कुछ करते हैं, गाने लिखते भी हैं, सो वी हैव अ वेरी क्रिएटिव रिलेशनशिप, और दोस्ती बहुत गहरी है, क्योंकि अभी 10 साल होने के चला हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप एंड आई ट्रेजर इट अलॉट। मैं आपको जो सुनाऊंगा वो तबले का बोल जो है उसके साथ मैं कुछ सिलेबल ऐड करता हूँ, करके मैं आपको उसका बॉडी ड्रमिंग के साथ सवाल जवाब करके सुनाता हूँ। तो तबले का बोल के साथ अगर करें तो ऐसे धुम चिकता चिका चिकता चिका धुम धुम ता चिका कतक तक 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 दिन तक दिन तक 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 दिन तक 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 दिन तक तक दिन 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 दा तक 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 दिन तक तक दिन दिक तक 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 दिन दिक ता Thank you. Good to meet all of you. Thank you, Lupa ji, for your picture. अभी बाकी है. ठीक है, वो time पे हो गया. चलो. कहाँ जा रहे हैं आप लोग?